से पॉकेट चैनल से। दोस्तों आज एक खबर मुमरा की हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुमरा में काफ़ी दिनों से जो है एक मुहिम चालू है जो नशे के ऊपर से लेके है और नशे वालों पे बहुत कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। इसी तरीके से जो है मुमरा पुलिस स्टेशन को 14 तारीख को एक खबर मिली कि यहाँ पर कुछ लोग जो है गांजा लेके आने वाले हैं बेचने के लिए। तो जो हमारे सीनियर पीआई है मधुकर कर साहब, उनके जो टीम है उनकी टीम को जब ये खबर मिली तो उनकी टीम ने ये चीज़ें मतलब एक बहुत सूझबूझ के साथ में जो है वहाँ पर मुमरा बाईपास पर एक ट्रैप लगाया और ट्रैप लगाने के बाद में एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो कि 39 किलो 700 ग्राम उसके पास गांजा मिला। इसकी कीमत जो है तकरीबन 5,95,000 या 90,000 के आसपास में कुछ समथिंग बताई जा रही है, इसकी कीमत इतना है। और ये जो व्यक्ति है ये कल्याण का इकबाल नाम है इसका, कल्याण का रहने वाला है। पुलिस ने जब इससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि ये मेरी सास ने लाके दिया था और किसी को यहाँ पे डिलीवर करना था। तो ये चीज़ें हम साथ साथ उसकी रिपोर्ट भी हम लगा दिखा रहे हैं आपको। तो ये चीज़ें जो है ये पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है और इससे और पूछताछ करी जा रही है कि इसके साठगढ़ जो है और किन किन लोगों से है। अभी पुलिस हिरासत में फिलहाल ये व्यक्ति है। तो यहाँ पर मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर मधुकर कर साहब है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, मतलब आइए खुद उनके मुँह से आप सुनिए। उससे लोखंडे और उनके सभी सहयोगियों को एक टिप मिली थी कि मुमरा बाईपास पे एक आदमी उसके साथ में सहयोगी के साथ में गांजा लेकर आ रहा है। उस हिसाब से रात को 10:15 बजे वहाँ पीआई मुजावर साहब और उनकी टीम ने वहाँ छापा मारा था। वहाँ 39 किलो 700 ग्राम नियर अप्रोक्सीमेट 6 लाख का गांजा रिकवर हुआ है। उसके ऊपर इकबाल इरशाद इकबाल इनामदार ये पिसौली का रहने वाला है कल्याण का, उसको अरेस्ट किया हुआ है और उसके कहे मुताबिक एक एक्यूज जो उसकी सास है वो फरार है, अभी वो मिली नहीं है। वो परतूर की रहने डिस्ट्रिक्ट जालना की रहने वाली है, वहाँ से वो गांजा लाती है उधर से। अभी तक जो जानकारी प्राइमरी मिली है कि वो साउथ से गांजा आता है ऐसा उनका कहना है और ये बाय ट्रेन लाया था ऐसा एक्यूज ने बोला है। एक्यूज को आज पीआई वड़कर साहब ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया था और 18 मई तक उसका पीसीआर मिला है आगे के जांच के लिए। कोई ये नहीं है लेकिन जो जानकारी मिली हमने डिस्ट्रिक्ट जालना से एलसीबी के स्टाफ से मैंने इंक्वायरी किया तो वहाँ ये शहनाज भी पठान करके है उसके ऊपर 2 गुने दाखिल है ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये इशारत का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, अभी तक इशारत का कोई रिकॉर्ड मिला नहीं। सर का इशारत करी है ना, इसका यही काम है साथ में जाना आना माल लाना पहुँचाना सप्लाई करना। नहीं अभी जवाई है तो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन वो बताता कि मैं बीएमसी में झाड़ू मारने का काम करता है। सर ये मुमरा में किन लोगों को सप्लाई करते थे, कौन ऐसे इनकी पॉकेट नहीं? अभी ये बड़े तौर पे 39 किलो यानी बहुत बड़ी ये है सीज की हुई ये है गांजा की। तो ये किसके लिए लाया था वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा। नहीं अभी गिरफ्तार होने के बाकी है, गिरफ्तार तो हो गए, इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पन्न होंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।